हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है अघर का इतवार जो मैं व्रत कर रही हूँ। तो बस नहा हुआ कर काम वगैरह करके मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। तो पहले क्या करूँगी कि जितने फोटो वगैरह है भगवान जी का वहाँ पे दीपक जला लूँगी, फिर पूजा करूँगी मैं। तो यहाँ पे इस तरह से पहले पूजा रूम को धुल कर साफ वगैरह कर चुकी हूँ, फिर यहाँ पे दीपक लगा लूँगी। तो दिन का हो रहा है 3, थोड़ा लेट हो गया पूजा करने में। तो शायद 3-4 बजे ही पूजा होता है जो इतवार करते हैं अघन का, तो लेट से ही पूजा करना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे आ गई हूँ दिया जला के छत पे सूर्य भगवान को जल देने। तो लोटा में मैं अक्षत और सिंदूर डाल दी थी, और इस तरह से जल डालने के बाद यहाँ पे कपूर हुमाद भी दिखा देंगे सूर्य भगवान को। और दिखाने के बाद मैं यहाँ पे कर लूँगी परिक्रमा 7 बार। तो मंत्र में जो भी आता है आपको वो जप लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो मैं इस तरह से बोल के मंत्र जप कर लेती हूँ छत पे जाके, और प्रणाम वगैरह करके आ जाऊँगी नीचे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने नए वाले घर में। तो हुआ कि चलो आज वहीं पे पूजा कर लेते हैं नए वाले घर में। तो होता क्या है कि जो दूध होता है उसे आग पे ही खौलाया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी हुमाद और साथ में जो गोईठा होता है गोबर का, तो उसे मैं यहाँ पे रख के आग लहका दूँगी। तो इस तरह से आग जलाने के बाद मैं उसी पे क्या करूँगी कि जो दूध है वहाँ रख दूँगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि दूध अच्छी तरह से बॉइल भी हो जाएगा और मतलब टेस्टी भी हो जाएगा थोड़ा। अगर आप आग पे इस तरह से दूध को बॉयल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, सोना सोना लगता है। तो पहला क्या काम करना कि इस तरह से पहले दूध को बॉयल कर लेती हूँ, फिर पूजा करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दूध जब तक बॉयल हो रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ, पूजा का तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, तो जिसे बताया गया मैं वैसा ही कर रही हूँ। यहाँ पे सिंदूर से 5 टीका लगाना है जैसे छठ के खरना में होता है। तो 5 टीका लगाने के बाद वहाँ पे फूल चढ़ा देना है, अक्षत चढ़ा देना है चावल का। तो छत पे था गेंदा का ताजा फूल, तो मैं वही लाकर यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। और साथ में यहाँ पे देखिए चावल चढ़ा दीजिए, दीपक जला देना है, और ये हुमाद है वो भी चढ़ा देना है। मतलब हुमाद को भी यहाँ पे मतलब जला के रख दूंगी यहाँ पे। और पान का पत्ता है, तो कभी भी जोड़ा पान का पत्ता पूजा में यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 पत्ता ली हूँ, उस पर चढ़ा दूंगी सुपारी, लौंग, इलायची। तो या तो आप 7 लीजिए, या तो 5 लीजिए, या तो 2 लीजिए, 1 पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा जोड़ा में ही पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से 2 पत्ता चढ़ाने के बाद दीपक जला देंगे। धूप कपूर, अगर आपके पास हुमाद नहीं रहता है तो आप कपूर से भी पूजा कर सकते हैं। बिहार में मतलब मिल जाता है हुमाद, तो हम लोग यहाँ पे हुमाद ही जला के पूजा करते हैं। तो इस तरह से पूजा कर लेना है। तो बस पूजा हो चुका है, प्रणाम वगैरह कर लेना है। जो भी पूजा पाठ में गलती हो गया है तो भगवान आप क्षमा कीजिएगा, इस तरह से प्रार्थना भी कर लीजिए साथ में। तो दूध हो गया गर्म, तो यहाँ पे लेना है बासमती चूरा जो आराम से मतलब मार्केट में मिल जाता है, जो नया वाला चूरा होता है वहाँ पे डाल देना है चूरे के ऊपर गुड़। तो थोड़ा चूरा को एक बार चेक कर लीजिए, मतलब कुछ उसमें परा वगैरह तो नहीं है, मतलब धान वगैरह तो नहीं है, उसे साफ कर लेना चाहिए, फटक वगैरह लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी यहाँ पे गुड़, और साथ में ये जो दूध है गरम गरम वो डाल दूँगी ताकि गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए। और बस करना क्या, इसी तरह से मिला लीजिए, और थोड़ा सा ये पूजा के नाम से निकाला जाता है जो मतलब बच्चे खाते हैं घर के,
और प्रसाद के रूप में आप उस तरह से आप खा लीजिए, फिर जाके सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद अनन्या मुमू भी आ गई पूजा करने के लिए। तो बस यही छोटा सा ब्लॉग था कि अगहन के इतवार में कैसे कर रही हूँ। थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।